घटना हुई बताइएगा। देखिए ये जो हाथरस में घटना हुई है, इसके अलावा पूरे देश भर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और सरकार आंखें बंद करके बैठी हुई है। जब भी ऐसी घटना होती है शोर मचता है, कैंडल मार्च निकलते हैं, मगर सरकार की आंखें नहीं खुलती। इससे लगता है सरकार जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई ईमानदारी से काम नहीं कर रही। हमारा सरकार से निवेदन है, चाहे वो हाथरस की घटना हो चाहे किसी प्रकार की भी देश में घटना हो, उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और जो भी पुलिस वाले दोषी हैं उनको बख्शना नहीं चाहिए। आज जिस प्रकार ने पुलिस वालों ने भूमिका अदा की है वो शर्मनाक भूमिका अदा की है कि एक बेटी को रात को उनके परिवार के बिना जला देना और FIR दर्ज न करना। हमारी मांग है उन पुलिस वालों के खिलाफ भी FIR दर्ज हो और उन पुलिस वालों को जो भी है सजा मिले, क्योंकि हम चुप नहीं बैठेंगे। लगातार हमारी बच्चों के साथ इस प्रकार की घटना हो रही है। हम मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस कानून में एक अलग कोर्ट बने बलात्कारियों के लिए और सुनाई हो और उनको जो भी है फांसी की सजा मिले, क्योंकि ऐसी घटनाएं हमारे डर लगने लग गया है अपनी बच्चों को घर से बाहर निकालते हुए। लगातार ये घटनाएं इस प्रकार हो गई हैं, जैसे समझो कि एक बच्ची निकलती है तो उसको यह लगता है कि आज क्या मेरे साथ हालात हो जाएंगे। महिलाएं निकलती हैं, उनको डर लगता है किस प्रकार वो घर से निकले। इसलिए मेरा निवेदन है सरकार इसमें जल्द से जल्द ऐसा कोर्ट का निर्णय करे और जिसमें फैसले हो पाए। अगर ऐसे फैसले ना हो पाए तो ये समझ लो यहाँ पर जंगल राज होगा और बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और मैं ये कहना चाहूँगा नेशनल अकाली दल लगातार इसी प्रकार जगह जगह प्रदर्शन करेगा पूरे देश भर में और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेगा। क्योंकि ये लड़ाई जो है ये किसी एक बेटी की नहीं है, ये सभी बेटियों की है जो हमारे परिवारों में है, हमारे घरों में है। क्योंकि इस प्रकार जो आप ये आज एक बेटी का खुलासा हुआ है तो इतना बुरा हुआ है, कई बेटियों का तो खुलासा ही नहीं हो पाता, उनको न्याय नहीं मिल पाता, उनको दबा दिया जाता है पुलिस के थ्रू। सर जो हिंदू परंपरा को दांव पर रखते हैं, जैसे पेट्रोल का इस्तेमाल किया है, बहुत गलत निर्णय हुआ है। इस प्रकार बेटियों के साथ ये निर्णय करना बहुत गलत है और जो भी हिंदू धर्म के हिसाब से भी किसी को पेट्रोल पे जलाना बहुत ही शर्मनाक घटना है, इसको हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।